हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 6 सेमेस्टर में IMRE सब्जेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। और ये सारे के सारे आपको नोट्स बहुत ही अच्छे और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम बेस्ड ही मिलेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्विच क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, कॉन्टेक्टर ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्विच क्या होता है। तो स्विच एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत परिपथ को खोल या बंद कर सकते हैं। स्विच हमें पूर्ण धारा या शून्य भार धारा दोनों अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दोषी परिस्थितियों में स्विच के द्वारा केवल धारा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि ये हमारा ऑन लोड और नो लोड दोनों पे तो वर्क करता है, ऑन लोड और नो लोड। लेकिन क्या होता है कि इससे हम लोग फॉल्ट करंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरी परिस्थितियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके धारा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता इसके द्वारा। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ स्विच की बात करें तो विद्युत मशीनों को चलाने तथा बंद करने के लिए निम्न प्रकार के स्विच यूज होते हैं। एक तो हमारा नाइफ स्विच होता है, फिर होता है चेंज ओवर स्विच होता है, पुश बटन स्विच, कंट्रोल स्विच, स्टार्टिंग स्विच, ठीक है ना, फॉर 3 फेज सर्किट और ट्रिप पोल आयरन क्लैड स्विच। तो इसे आप लोग केवल स्टार्टिंग स्विच याद रखिए। और ये फिर कॉन्टैक्टर, तो मैंने बताया नहीं कॉन्टैक्टर भी एक तरह का स्विच ही होता है जो ऑन लोड और नो लोड दोनों पर वर्क करता है। तो इसमें हम लोग इन सब 5 के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्टर मैंने बता दिया है, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दिया था, अगर नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि नाइफ स्विच हमारा क्या होता है। तो नाइफ स्विच को हम लोग चेंज ओवर स्विच और नाइफ स्विच दोनों के साथ ही देखते हैं। तो नाइफ स्विच तथा चेंज ओवर स्विच कैसे होते हैं, हैंड ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि कैसे चलते हैं, हस्तचलित स्विच होते हैं। चाकू स्विच, नाइफ स्विच एक सिंगल पोल, 2 पोल या 3 पोल, ये तीनों हो सकते हैं। मतलब जो चाकू वाला स्विच है ये सिंगल पोल भी हो सकता है, 2 पोल भी हो सकता है और 3 पोल भी हो सकता है। विद्युत धारा को चालू या बंद करने के काम आते हैं, जबकि चेंज ओवर जो स्विच होता है ये हमारे इसका प्रयोग रेटेड करंट तथा रेटेड वोल्टेज पर विद्युत परिपथ को बदलने तथा बिना लोड की स्थिति में प्रचालन के लिए काम आता है। इसको आपको याद रखना है कि जो हमारा चेंज ओवर, जैसे हमारा जो नाइफ स्विच है ये तो सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल होता है, और ये विद्युत धारा को काम बंद चालू या बंद करने के काम आता है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग चेंज ओवर स्विच की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पर परिपथ को क्या कर सकते हैं, बदलने तथा बिना लोड के स्थिति में प्रचालन के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखिए, देखिए इस डायग्राम को आपको देखिए इसके समझना है, आपको बनाना नहीं है, बस आप समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा भी लिखना पड़े तो आप लिख सकें। तो सबसे पहले ये देखो, ये हैंड ऑपरेटेड है, किसे, यानी कि हैंड ऑपरेटेड मतलब हत्थे वाले हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होती है, ये देखिए कि स्प्रिंग लगी होती है, एक यहाँ पर का विच्छेद संपर्क होता है, ऊपरी स्तंभ हो गया, 2 पत्तियों ये हमारे ब्लेड हो गए, और ये निचला आधार हो गया, और ये हमारा क्या है, हत्था है। इसको जैसे हम घुमाएंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाएगा। ये हमारा साइड व्यू से दिखाया गया, फिर हमारा सिंगल का दिखाया गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये वाला जो हमारा है ये हमारे लीवर द्वारा नाइफ स्विच की संरचना है, कि जो लीवर से चलते हैं, ठीक है, ये नाइफ स्विच की संरचना बनी हुई है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ से संबंध है, यहाँ से ये विद्युत रोधी है, और ये ब्लेड के बीच अग्निशय पदार्थ से बना विभाजक, ब्लेड द्वारा लगी आर को बुझाने वाला संपर्क। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से टफ ही है, आप सिंपल से इसको देख लीजिए बस, इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि नाइफ स्विच होता है वो कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, और चेंज ओवर स्विच क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुश बटन स्विच और कंट्रोल स्विच की। तो जो पुश बटन स्विच होता है इसका प्रयोग हम लोग कैसे, रिमोट कंट्रोल के लिए करते हैं, यानी कि जो सुदूर नियंत्रण के लिए करें, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, ये हमारा पुश बटन, ये देखिए आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा, आप जैसे आपने घर में स्टार्टर वगैरह देखा होगा वहाँ पर पुश बटन होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए आप, ये पुश बटन है, ये तो एक साथ 3 पुश बटन आपने दबाया, और इसका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है ये इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे आपने पुश किया तो ये सब सर्किट बनता है, और इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है।
ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रयोग विद्युत चुम्बकीय उपकरणों के रिमोट कंट्रोल के लिए होता है, यानी कि सुदूर नियंत्रण के लिए होता है जो विद्युत चुम्बकीय उपकरण होते हैं। इन स्विचों में प्लास्टिक का पुश बटन तथा एक खोल में होता है। खोल में विद्युत विभिन्न संपर्क तथा स्प्रिंग होते हैं। पुश बटन इस्पात के एक पिन पर लगा होता है। इस पिन के एक सिरे पर संपर्क सेतु होता है, एक संपर्क स्प्रिंग लगी होती है। नियंत्रण परिपथ के सिरे कॉन्टैक्ट ब्रेकर तथा कॉन्टैक्ट स्थापक के पेंचों से जुड़े होते हैं। खोल के अंदर वाले पुश बटन के बेलनाकार हिस्से पर एक वापसी यानी कि रिटर्न स्प्रिंग चढ़ा होता है। पुश बटन को स्विच बोर्ड पर पेंचों द्वारा लगाया जाता है। कई पुश बटनों को एक साथ लगाकर पुश बटन केंद्र बनाया जाता है, यानी कि जब बहुत सारे पुश बटन यूज करते हैं तो उसे पुश बटन सेंटर बोलते हैं। तो देखो आपको बहुत ज़्यादा इतना याद रखना, बस इसमें देखिए इसमें कौन कौन से हैं। खोल होता है, पेंच होता है, स्प्रिंग होती है, संपर्क, तो ये आपको जरूर याद रखना है इसमें क्या क्या होता है, और उसके आधार पे आप इसकी कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी इसके थोड़ा सा आपको तो पता चली हो गया होगा कि इसकी ये कहाँ पर यूज होता है, रिमोट कंट्रोल यानी कि सुदूर नियंत्रण स्थानों को कंट्रोल करने में यूज होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल स्विच की। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये कंट्रोल स्विच का डायग्राम है। इसमें कंट्रोल स्विच की ये देखिए यहाँ पर हमारे क्या लगते हैं, ये हमारे यहाँ पर लगेंगे कॉन्टैक्ट, ये हमारा है नॉब है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमाते हैं। तो नियंत्रण स्विचों का प्रयोग हाई वोल्टेज वाले रिमोट कंट्रोल तथा सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर के नियंत्रण तथा सिग्नलिंग को सर्किट को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारा कंट्रोल स्विच होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो सुदूर यानी कि रिमोट कंट्रोल्स होते हैं तो उनमें क्या करता है कि आइसोलेटर या फिर सर्किट ब्रेकर हो गए, इनके सिग्नलिंग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटरी स्विच स्टार। रोटरी स्विच आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे रोटरी स्विच है। तो रोटरी स्विच का प्रयोग या घूर्णी स्विच का प्रयोग 400 वोल्ट माप के विद्युत परिपथों को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। यह स्विच इस्पात की मोटी पिन पर लगे हैंडल तथा विद्युत रोधन पदार्थ से बने पैकेट रिंग्स की असेंबली से बना होता है। प्रत्येक रिंग के अंदर अलग अलग ध्रुवों के लिए अलग अलग संपर्क व्यवस्था होती है। यह संपर्क पैकेट रिंग पर लगे स्थिर संपर्कों तथा हैंडल पर लगे पिन द्वारा 10 डिग्री से 120 डिग्री पर घुमाए जाने वाले मूवेबल कॉन्टैक्ट से बने होते हैं। देखिए इसमें देखो डायग्राम और इतना तो ये काफ़ी टफ है। इसके बारे में जो कोई भी देखो यहाँ पर जो भी आपको इक्विपमेंट बताया जा रहा है उपकरण बताया, उसके सारे के सारे पार्ट्स के बारे में बस आप याद रखिए। तो सबसे पहले और उसके कुछ मेन फैक्ट, तो सबसे पहले कहाँ पर यूज होता है, कितने वोल्टेज तक, तो 400 वोल्टेज तक परपथ को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने डिग्री तक घूम सकता है, तो 10 से 120 डिग्री इतने तक ये घूम सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक इस्पात की क्या होती है कि इस्पात की मोटी पिन पर लगे हैंडल तथा विद्युत रोधन से बने पैकेट यानी पैकेट रिंग की असेंबली से बना होता है। प्रत्येक रिंग के अंदर अलग अलग क्या होता है, ध्रुवों के लिए अलग अलग संपर्क बने होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि अंदर की कंस्ट्रक्शन उतनी मतलब टफ नहीं होती है। इसमें पैकेट टाइप्स के बने होते हैं और वो एक स्टेज पे लगे होते हैं कि आप जितना घुमाएंगे उस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा कनेक्ट होता जाएगा। अब ये देखिए ये है हमारा स्टार्टिंग स्विच। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपने ये देखा होगा अगर आप अपने लैब वैब गए होंगे वहाँ आपने देखा होगा ये इस तरीके से पुराने वर्कशॉप वगैरह में इस तरीके से ये हमारे हैं स्टार्टिंग स्विच। ये देखो ये तो एक बॉक्स है पूरा, ये हमारा ढक्कन है और यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा कि इसके थ्रू तार आएंगे इस छेद के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये हमारा फ्यूज है, ये ब्लेड है और ये हैंडल लगा है। ब्लेड स्विच के जबड़ों के लिए क्रॉस बार, ये देखिए ब्लेड स्विच के जबड़ों के संपर्क छेद, यानी कि यहाँ से तार आए तो यहाँ से देखो ये जॉइंट इन पे जॉइंट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्टार्टिंग स्विच है और यहाँ से इसको हम लोग एक अर्थिंग करने के लिए भी बना दें, यहाँ से आप अर्थिंग और यहाँ से इस वाले होल से तार बाहर आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग थ्योरी से पढ़ते हैं थोड़ा। तो औद्योगिक स्थानों की विद्युत प्रणाली में इस प्रकार के स्विचिंग शक्ति परिपथों तो उसमें लगे विद्युत उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया पे या फिर इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज या फिर बार बार मतलब कहीं ना कहीं वो करना होता है तब वहाँ पर यूज किया जाता है। प्रारंभक यानी कि जो स्टार्टिंग स्विच है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के स्विच में चाकू स्विच तथा फ्यूज असेंबल करके, तो दूसरे प्रकार के स्विचों में फ्यूज तथा ब्रेकर्स को एक साथ ब्लॉक लगा रहता है। प्रायः बाजार में ये आयरन क्लैड स्विच के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, न्यूट्रल सहित मिलते हैं। इसका जो नाम होता है ये आप याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है।
आईसीडीपी स्विच, आईसीटीपी स्विच, आईसीटीपीएम स्विच, इन नामों से भी जाना जाता है। तो आप ये जरूर याद रखना कि स्टार्टिंग स्विच को और किन किन नामों से जाना सकता है। तो इस प्रकार से आप ये भी देख, ये आप देख, ये आपने देखा ही होगा इस तरीके की, ये देखिए कटआउट बना हुआ है, तो ये आपने देखा होगा इस तरीके से ये स्टार्टिंग स्विच होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि सारा का समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए ये दोस्तों, ये थ्योरी को कहीं ना कहीं इस वीडियो पे आप देखते रहिए, 2 से 3 से 4 बार देखिए और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियोज आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी वीडियोज़ वगैरह को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, सो इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नेम है। ठीक है दोस्तों, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे PDFs और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।